नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय पेगासस जासूसी को लेकर के राजनीति गरमाई हुई है। संसद में भी इस मुद्दे को लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ और किन की राजनीति में इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष हमलावर है, वहीं सरकार जासूसी के दावे को खारिज कर रही है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के बीजेपी के विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पे एक बड़ा आरोप लगा दिया है। अधिकारी ने कहा है कि ममता बनर्जी की सरकार उनका फोन टेप कर रही है। उन्होंने कहा कि आमने सामने या व्हाट्सएप पे बात करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, और किस तरीके से बात अगर आप करते हैं तो आपकी बात सुनी जा सकती है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में हिंसा ममता बनर्जी और उनकी सरकार के नेतृत्व में हुई है और ममता बनर्जी की सरकार मेरा फोन टेप कर रही है। आमने सामने या व्हाट्सएप पे बात करने के अलावा और कोई अपचारा नहीं बचा है। उनकी सरकार हर छोटे बीजेपी कार्यकर्ता का फोन टेप कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी नेता व्हाट्सएप पर मैसेज करने के अलावा दूसरे माध्यम से बात नहीं करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ममता बनर्जी खुद उनके फोन टेप करती हैं और वे उनकी सरकार पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही हैं। फोन टैपिंग का हमारा काम नहीं है, कांग्रेस का है जहां से ममता आई है। उधर पेगासस जासूसी विवाद के सिलसिले में ममता बनर्जी ने आज यानी कि बुधवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर देश की निगरानी वाला राष्ट्र बनाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वे पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके नेताओं, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों को अपना निशाना बनाने वाले जासूसी स्कैंडल का संज्ञान ले। उन्होंने विपक्षी दलों से ये भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी यानी के उसको हराने के लिए सभी को एक साथ आना होगा। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने कोलकाता में एक रैली को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी एक लोकतांत्रिक देश को कल्याणकारी राष्ट्र के बजाय निगरानी वाले राष्ट्र में बदलना चाहती है। तो दोस्तों, ये थे ममता के आरोप सरकार पे। आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट ड्रॉप करें। जय हिंद, जय भारत।